हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल लिवी रॉक सीम्स। एंड यहाँ पर एक मैच हो रहा है जो कि खेला जाएगा अंडर 20 फुटबॉल वर्ल्ड कप लीग का। एक्चुअली ये टीम मैंने ओपन देनी थी, लेकिन अब नहीं दे पाऊंगा क्योंकि अब मैं दे चुका हूँ ओपन टीम आपको पिछले मैच की। आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्रेशर था, आप कहते हैं हम रात को नहीं जागते, आप अभी दे दो। तो ठीक है, जो आपने कहा मैंने किया। तो उससे बात करें, अगर ये मैच आपने खेलना तो वीडियो टिल एंड तक देखना, बहुत बढ़िया मैच है, उरुग्वे वर्सेस इराक अंडर 20। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं इस मैच की। देखिए, उरुग्वे एंड इराक के अंदर उरुग्वे टीम थोड़ी सी मच बेटर है। उरुग्वे के विनिंग चांसेस हैं 80% के अराउंड अंडर 20 में, और इराक के बचे कुछ आपके मतलब 20%। ठीक है, तो बात करें यहाँ पर सबसे पहले हम अपने स्ट्राइकर की। देन माय फर्स्ट स्ट्राइकर एज अ कैप्टन जिसको मैं रखने वाला हूँ वो है एल रोड्रिगेज। अब तक आप देखोगे तो उरुग्वे के तरफ से सबसे ज़्यादा गोल्स अगर किसी खिलाड़ी ने किए हैं तो वो एल रोड्रिगेज है। अभी तक उरुग्वे के तीन खिलाड़ी हैं जो फॉर्म में है, जो सबसे पहला खिलाड़ी है वो है एल रोड्रिगेज। एंड आगे से अगर मैं बात करूँ तो अभी जैसे कि यहाँ पर और भी खिलाड़ी हैं, लाइक जुआन डी लॉस सैंटोस, आगे से आपका आ जाता है उरुग्वे का एंड्रेस फेरारी। अभी आप इनको ड्रॉप आउट पर रखिए, आप ऐसा कीजिए आगे से ना इनका एक प्लेयर खेलता है एफ दियाज, ये बड़ा अच्छी फॉर्म में रहता है और साथ ही साथ ये पेनल्टी टेकर भी है। सो मैं ये नहीं कह रहा कि पेनल्टी आएगी, देखिए हम कह भी नहीं सकते आएगी कि नहीं आएगी, भले ही अंडर 20 लीग का मैच है लेकिन एक्सपीरियंस हर बंदे को है यहाँ पर। और एक इनका प्लेयर है, ए पता नहीं क्या था उसका नाम, ए फर्नांडिस था, मैं नाम भूल गया हूँ, वो खेल ही नहीं रहा यार, मेरे को उसका नाम नहीं दिखा, वरना वो तो बहुत मेन प्लेयर है। एंडरसन था, कौन था, दो मिनट मुझे चेक करने दो स्क्रीन पर, दो मिनट में वीडियो पॉज कर रहा हूँ। हाँ, तो गाइस उसका नाम था ए रोड्रिगेज, वो मेरे को दिख ही नहीं रहा कहाँ है। तो अभी आप आइसोसा को सेव कर लो, अभी आप ऐसा करो ना, रिस्क मत पी लो। ठीक है, और आगे से बात करें ऑपोजिशन टीम की, एम जमील भाई साहब, मोहम्मद जमील जैसा पूरे इराक अंडर 20 में ऐसा खिलाड़ी नहीं है। इराक टीम में होगा लेकिन अंडर 20 के अंदर अभी तक एम जमील टॉप पर चल रहा है अभी अगर देखा जाए। बाकी ए अली हुसैन वगैरह जो हैं इनको आप चाहो तो ले सकते हो, बट इतने गोल आने नहीं वाले जितने आप सोच रहे हो। सो अभी अगर आप ड्रॉप भी करोगे टेंशन नहीं है। आगे से बात करूँ, यहाँ पर लूँगा अब्दुल करीम को, तो यहाँ पर इराक का अब्दुल करीम ऐसे इसमें माना गया है, अगर गोल होता है किसी को स्ट्राइकर अगर गोल करता है इनकी टीम का तो उसमें से अब्दुल करीम के सबसे ज़्यादा चांस है असिस्ट करने के। और बात करें कासिम की, दिन यहाँ पर मैं लूँगा अब्दुल रजाक का कासिम को, क्योंकि कासिम को तो चलो मैं लूँगा, एक खिलाड़ी शायद मैं इराक का छोड़ के उरुग्वे को बढ़ाऊँगा अभी नहीं लास्ट में, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं एफ गोंजालेस के साथ ना जाऊँ, क्योंकि फ्रेंको गोंजालेस को भी ये पेनल्टी दे सकते हैं, अभी कुछ नहीं पता क्योंकि गोंजालेस और एफ डियाज मेन है यहाँ पर। और अगर आप अभी गोंजालेस को लेना चाहते हैं सेव कर लो, बट अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। आगे से बात करूँ, यहाँ पर लूँगा एम डे रिटिस एंड एम पॉन्टे, अभी तक कंटिन्यूसली खेल रहे थे। ठीक है, उसके बाद अभी फिर इन्होंने बीच में एक्चुअली क्या था कि इंटरनेशनल फ्रेंडली लीग में कई बड़े खिलाड़ियों को रेस्ट दिया था, सो हो सकता है यहाँ पर एस बोसैली को खिलाया जाए, हो सकता है बोसैली के बाद यहाँ पर एंटनी को ना खेल, हो सकता है यहाँ पर एंटनी को ना खिलाकर एम गोंजालेस को लाया जाए, हो सकता है ऐसा, बाकी अभी मेरे को पता नहीं, हो सकता है तीन डिफेंडर भी खेलें। ठीक है, और अगर तीन डिफेंडर खेले तो अपने चौथे डिफेंडर की जगह आप यहाँ पर एफ गोंजालेस को ले लेना। और आगे से अगर मैं बात करूँ गोलकीपर की, यहाँ पर है हसन, एच हसन को यहाँ पर लेंगे। बात करें कैप्टन की, तो मेरा कैप्टन है वो एल रोड्रिगेज, वाइस कैप्टन अभी आप सेव मत करो, वाइस कैप्टन अभी आप ऐसा करो, मैं आपको कहूँगा कि आप एम डी रिटिस को रखो क्योंकि वो टॉप डिफेंडर है, क्योंकि एम डी रिटिस को मैं अच्छी तरह तो नहीं जानता बट रिकॉर्ड के बेस पे रख रहा हूँ, नॉर्मल रिकॉर्ड है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।